इस वीडियो में हमने सर्वाइव किए 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और अगर तुम हमें पहले से देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हम कितने ज्यादा प्रो हैं। तो 100 डेज सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा टारगेट था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम 100 डेज सर्वाइव कर पाए। और इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड एंजॉय द वीडियो। डे 51 को हम गए ऑब्सीडियन माइन करने और हमारे विलेजर हॉल के पास एक जगह थी जो कि नेदर पोर्टल के लिए बिल्कुल सही लग रही थी, तो हमने नेदर पोर्टल बनाना शुरू किया। लेकिन रात होने वाली थी तो हम अपने घर में जाकर सो गए। अगले दिन हमने पोर्टल का काम कंटिन्यू रखा और थोड़ी देर में हमने पोर्टल फिनिश भी कर लिया और फिर हम फाइनली गए नेदर में और थोड़ी ही देर में वापस भी आ गए। जब हम वापस आए तो हमारे ट्रेडिंग हॉल से कुछ ज्यादा ही अजीब आवाजें आ रही थी। और जब हमने ट्रेडिंग हॉल के अंदर देखा तो हमारे सारे विलेजर्स जॉम्बी में बदल गए थे। तो हमने जॉम्बीज को मारने के लिए वॉल में एक होल बनाया, पर तभी एक छोटे विलेजर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और उसके बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ी। फिर हमने सभी जॉम्बीज को बोट में बिठाया और इम्पोस्टर जॉम्बी को मार दिया। डे 53 को हमने देखा कि हमारे पास विलेजर को नॉर्मल करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो गोल्डन एप्पल की जगह हमने उन्हें मुक्ति दे दी। फिर हम गए नए स्लेव नया विलेजर लाने। डे 54 को हम जब दूसरे विलेजर को ला रहे थे, हमारे साथ एक अलग ही स्कैम हो गया। या बट लकीली हम बच गए और उसके बाद हमने दूसरे विलेजर को भी ट्रेडिंग हॉल तक पहुंचा ही दिया। वैसे ये विलेजर अपने बच्चों को हमारे महान कामों के बारे में नहीं बता सकेंगे, बट कोई बात नहीं, इनके सामने हम कोई और महान काम कर लेंगे। उसके बाद हमने उन्हें ब्रेड दी। You already know why. और उसके बाद हमने जानवरों को थोड़ा खाना खिलाया। डे 55 को हमने अपनी गौशाला के पास घास का ढेर लगा दिया। फिर हम गए ट्रेडिंग हॉल इस उम्मीद में कि हमारा महान काम देखने के लिए कोई नया स्ले विलेजर पैदा हो गया होगा, बट शायद उन्हें थोड़ी और ब्रेड की जरूरत थी। फिर हम गए गन्नों की कटाई पर और हमारे गन्नों का बिजनेस हमें जल्दी ही अंबानी बना देगा। फिर हमने जानवरों को काटा और बचे हुए जानवरों के फिर से बच्चे करवा दिए ताकि हम सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर सके। फिर हमने थोड़ी बहुत बुक शेल्फ बनाई और उन्हें अपने नए फ्लोर पर प्लेस किया ताकि हम वहाँ पर एंचेंटिंग कर सके। फिर हम गए ट्रेडिंग हॉल। मुबारक हो, नया मेहमान आ चुका था। उसके बाद हमने फिर से गाय को खाना खिलाया ताकि हम एंचेंटिंग रूम के लिए थोड़ी और बुक शेल्फ बना सके। फिर हम दोबारा ट्रेडिंग हॉल गए और इस बार हमारे नए मेहमान का भाई भी आ चुका था। इसी खुशी में विलेजर्स का मुँह मीठा करवाने के लिए हमने उन्हें ब्रेड दी। फिर घर आकर हमने अपने एंचेंटिंग रूम में विंडोज ऐड की। डे 57 को हमने खिड़कियों को पूरा किया और एंचेंटिंग टेबल की पोजीशन थोड़ी चेंज की। फिर हमने विलेजर्स के साथ थोड़ी बहुत ट्रेड की और उन्हीं के साथ सो गए। डे 58 को हम डायमंड की तलाश में माइनिंग पर गए ताकि हम खुद के लिए डायमंड आर्मर बना सके। और वहां पर हमारा सामना हुआ काफी सारे मॉब से। उन सभी मॉब्स को क्लियर करने के बाद हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी। डे 59 को हमें काफी खुली जगह मिली और हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार हमें डायमंड्स मिल जाएंगे, और जी हाँ, एक बार फिर से हमें डायमंड्स मिल गए। पर उसके बाद भी हमने माइनिंग कंटिन्यू रखी और इस बार हमें कुछ भी नहीं मिला। और जब हम वापिस आ रहे थे तो हमारे साथ एक बार फिर से जादुई सीन हो गया था। जी हाँ, हम मरते मरते बचे और फिर हम बिना रुके फुल स्पीड में घर को भाग गए। डे 60 को हमने सभी डायमंड्स की चेस्ट प्लेट बनाई और ट्रेडिंग हॉल को जाते हुए हमें एक अनोखा नजारा दिखा। गोलम भैया खुद को किंग कॉन्ग समझकर हॉल की छत पर ही चढ़ गए थे, तो हमने उन्हें थोड़ी सी मेहनत करने के बाद फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। डे 61 को हमने एक किसान से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की और एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया, और अब टाइम था अपने बिजनेस को बढ़ाने का, तो हमने अपने घर के पीछे गाजर लगाई। डे 62 को हमने फार्मिंग के लिए काफी सारा स्पेस क्रिएट किया और पूरा दिन सिर्फ फार्मिंग ही की। जिस हिसाब से हम फार्मिंग कर रहे थे, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब हम अंबानी बन जाएंगे। डे 63 को हमने अपने गन्नों का बिजनेस बढ़ाया और उसके बाद फिर से फार्मिंग के लिए थोड़ा और स्पेस क्लियर किया। डे 64 को हमने फिर से लेदर के लिए जानवरों को मारा और उनके लिए थोड़ा बड़ा कमरा बनाया। उसके बाद हमने थोड़ी और बुक शेल्फ को एंचेंटिंग रूम में प्लेस किया और फिर हमने थोड़ी बहुत खेती की। डे 65 को हमने अपने खेत के चारों तरफ फेंस लगाई और पुरानी फेंस को रिमूव किया। उसके बाद हम गए माइनिंग पर क्योंकि हमें फुल डायमंड आर्मर चाहिए था। फिर हमने काफी देर माइनिंग की और जब हम स्केलेटन से फाइट कर रहे थे तो हमारी शील्ड टूट गई, बट लकीली आसपास कोई और मॉब नहीं था तो हम बच गए। उसके बाद हमें मिले डायमंड्स, लेकिन सिर्फ एक।
फिर हमने थोड़ा और माइन किया और हमारी की वोशन से कनेक्ट हो रही थी, बट हम फिर कभी वहां पे जाएंगे, अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डे 67 पर हमारा सामना हुआ दो बेबी ज़ॉम्बी से, बट हमने उन दोनों को आसानी से मार दिया और उसके बाद हमें मिले डायमंड्स। जी हाँ, और अब हमारे पास टोटल 7 डायमंड्स हो गए थे, लेकिन हमने फिर से माइनिंग कंटिन्यू रखी और डे 68 को हमें एक और बार डायमंड्स मिले, लेकिन इस बार टोटल 8। तो हमारे आर्मर का जुगाड़ हो चुका था, तो हम जल्दी से घर वापस आए और अपने लिए डायमंड आर्मर बनाया, लेकिन जूते बनाने के लिए हमारे पास एक डायमंड कम पड़ गया जिसे हम बाद में बना लेंगे, और एंड में हमने बनाया एक एनविल। डे 69 नाम से ही काफी लकी लग रहा था, तो पूरा दिन हमने फार्मिंग ही की और हमें काफी सारी फसल मिली। सीड्स के पैकअप के लिए हमने एक कंपोस्टर बनाया जिसमें हमने सीड्स को बोन मील में कन्वर्ट किया। डे 70 पर हमने किसानों से थोड़ी फसल ट्रेड की और उसके बाद हमने लेदर के लिए थोड़ी गाय को मारा। एंड में सिर्फ उनके बच्चे ही बचे थे जिनका टाइम भी जल्द ही आएगा। उसके बाद हम गए गन्नों की कटाई पर, और वापस आने पर हमारे घर में एक गोल्डन आर्मर वाला ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था, तो हमने अपने रूम में खिड़कियां बनाई और एट द एंड ऑफ द डे हमने एन्चेंटिंग रूम में बुकशेल्फ प्लेस किए। डे 71 को हम गए ट्रेडिंग हॉल किसी अच्छी एन्चेंटमेंट के लिए, बट पूरा दिन ट्राई करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने भेड़ों की थोड़ी ऊन काटी और थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला था। डे 72 को एक बार फिर हमारा अंत होने वाला था, बट लकीली हम बच गए। उसके बाद हम गए ट्रेडिंग हॉल जहां हमने विलेजर्स के लिए नए बेड बनाए और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत गन्नों की कटाई की। डे 73 को हमने एक बार फिर से गाय को घास दिया और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की। डे 74 को हमने एक बार फिर गाय को घास खिलाया और उसके बाद हम गए ट्रेडिंग हॉल जहां पर हमने फॉर्चून 2 की दो बुक्स खरीदी और फिर उन्हें फॉर्चून 3 में कन्वर्ट किया, और उसके बाद अपनी पिकैक्स पर फॉर्चून 3 को ऐड किया। फिर हम गए माइनिंग पर और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 1 मिनट में ही हमें डायमंड्स मिल गए। फॉर्चून 3 के साथ उन्हें माइन करने पर हमें 16 डायमंड्स मिले और वापस आकर हमने डायमंड आर्मर को कंप्लीट किया और उसके बाद फाइनली डायमंड टूल्स बनाए। डे 75 पर हमने सुअर और भेड़ की बलि दे दी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। उसके बाद हमने फिर से गाय को ब्रीड करवाया, फिर हमने गाजर की खेती की और अब हम गाजर के बिजनेस में अंबानी बन चुके थे। डे 76 को हमने सबसे पहले लैदर इकट्ठा किया और फिर हमने विलेजर से सब्जियां ट्रेड की और बाद में गन्ने की कटाई की। डे 77 पर एक बार फिर से हमने लैदर इकट्ठा किया और काफी सारी बुकशेल्स बनाई। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत लकड़ियां काटी और उस लकड़ी से बची हुई बुकशेल्स को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने अपने डायमंड हेलमेट को फायर प्रोटेक्शन 3 से एन्चेंट किया। फिर हमने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की और काफी सारे सैंड को फर्नेस में डाला। डे 78 को हमने बाकी के बचे आर्मर को भी एन्चेंट कर दिया, जिसका मतलब था कि अब हम फाइनली नेदर में जा सकते हैं। पर उससे पहले हम गए ट्रेडिंग हॉल जहां पर हमने एक बार फिर काफी सारी ट्रेड किए और हमने काफी ज्यादा ट्राई किया कि हमें कोई अच्छी सी एन्चेंटमेंट बुक मिल जाए, पर हमें अपने काम की एन्चेंटमेंट बुक मिली ही नहीं। डे 79 को हम पूरा दिन किसी बढ़िया सी एन्चेंटमेंट के लिए ट्राई करते रहे और इस बार हमें एफिशिएंसी 4 मिल रही थी जो कि हमारे टूल्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल थी। डे 80 को हमने अपने टूल्स के लिए एफिशिएंसी 4 को खरीदा और अपने पिकैक्स और शवल पर उसे ऐड किया और अब इससे हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद हमने अपने पिकैक्स को टेस्ट किया और अब हमारा काम पहले से काफी ज्यादा तेज हो रहा था, और अपने सभी सामान को एन्चेंट करने के बाद अब टाइम था नेदर में जाने का। डे 81 को हम फाइनली नेदर में गए जहां पर हमने सबसे पहले थोड़ा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया और फिर हमने एक पिगलिन को कैदी बनाया और उससे थोड़ी ट्रेड की इस उम्मीद में कि शायद हमें कोई अच्छी चीज मिल जाए। काफी देर ट्रेड करने के बाद उसने एक फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन ड्रॉप किया जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा काम का था, तो हम काफी खुशी के साथ आगे जा रहे थे, पर हम भूल गए थे कि वो स्प्लैश पोर्शन था और किसी ने कुछ नहीं देखा। उसके बाद हमें रोते रोते घर लौटना पड़ा। डे 82 को हम दोबारा गए नेदर में जहाँ पर हम स्पॉन हुए थे, वहाँ पर चारों तरफ खाई ही थी तो हमें बिल्ड करके दूसरी तरफ पहुँचना पड़ा। उसके बाद हमने काफी ज्यादा टाइम फोर्ट्रेस को ढूंढने में बिताया। फोर्ट्रेस तो हमें मिली नहीं, पर हमारे साथ एक और एपिक सीन हो गया था। डर के मारे अगर हम कहीं लावा में ही जंप कर देते तो हो गया था 100 डे सर्वाइव। उसके बाद हम गए घर क्योंकि आज के लिए इतना ही एडवेंचर काफी था। डे 83 को काफी देर सर्च करने के बाद हमें फाइनली एक फोर्ट्रेस मिली और हम लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। उसके बाद हमने थोड़े बहुत विदर स्केलेटन्स को मारा और नेदर वॉर्ड इकट्ठा किया। डे 84 पर काफी देर ढूंढने के बाद हमें एक ब्लेस स्पॉनर मिला जहां पर फायर रेजिस्टेंस ने हमारी काफी हेल्प की, और पूरा दिन ब्लेस को मारने के बाद हमने टोटल 15 ब्लेस रॉड इकट्ठा की। फिर हम गए पोर्टल की तरफ और हमने रास्ते में कोबल स्टोन लगा रखे थे जिनकी हेल्प से हम काफी जल्दी पोर्टल तक पहुंच गए, और थोड़ी देर हमने एक पिगलिन से दोबारा ट्रेड की, पर बहुत ज्यादा देर तक ट्रेड करने के बाद भी उसने सिर्फ
दो ही अंडरपर्ल दी। घर वापस आने पर अब एक क्रीपर भैया किंग कॉन्ग बने हुए थे, पर उनका खात्मा हमने बहुत ही जल्दी कर दिया। डे 85 पर हमने अपने सामान को थोड़े अच्छे से रखा और फिर पूरा दिन फार्मिंग में बिताया। डे 86 को सुबह हम ट्रेडिंग हॉल में गए, जहां हमने विलेजर्स को ब्रेड दी और उनसे ट्रेड किया। और बाहर हमें एक बिल्ली मिली, तो हम मछली पकड़ने चले गए ताकि हम उसे टेम कर सके। बट जब हम वापस आए तो पता नहीं वो बिल्ली कहां चली गई थी। फिर हम गए माइन में थोड़ा कोल इकट्ठा करने। फिर हमने अपने घर के अंदर ये कुआं बनाया ताकि हम उसमें कूद सके। अब बार बार बाहर जाकर पानी कौन लाए। उसके बाद हम पोशंस बनाने लगे, बट इनविजिबिलिटी पोशन बनाने के लिए हमें एक ब्राउन मशरूम की जरूरत थी। वेल दैट वॉज इजी। उसके बाद हमने बनाया पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी और फिर उसमें ऐड किया रेड स्टोन उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। और अब हमारे पास थे 3 पोशन ऑफ स्ट्रेंथ, 3 पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी एंड 1 पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। फिर हम गए ट्रेडिंग हॉल और वहां पर हमने क्लेरिक से थोड़े बहुत ट्रेड किए, पर जल्दी ही रात होने वाली थी तो हम हॉल में ही सो गए। डे 87 पर हमने सबसे पहले ग्लास पेंस को बेचा और उसके बाद हमने क्लेरिक को लेवल अप किया इस उम्मीद में कि वो हमें एंडर पर्ल बेचने लग जाएगा। और जी हाँ, पहली बार ट्राई करने पर ही क्लेरिक हमें एंडर पर्ल बेचने लगा और हम ज्यादा ही खुश थे। इतने ज्यादा खुश कि हमने एक बार फिर से जादुई काम कर दिया। या बट हम बच गए। फिर हमने थोड़ी बहुत गन्नों की कटाई की क्योंकि यही बिजनेस हमें अंबानी बनाएगा। उसके बाद हमने अपने बो से बेकार एंचेंटमेंट को हटाया और उस पर पावरफुल ऐड किया। डे 88 को हमने फिर से ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी। उसके बाद हमने अपना एफिशिएंसी फॉर शॉवल टेस्ट किया जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर था। उसके बाद हमने थोड़ा और कांच बनाया और बाकी का पूरा दिन खेती में बिता दिया। डे 89 को हमने ग्लास ब्लॉक्स को ग्लास पेज में कन्वर्ट किया, बट इस बार हमें खेती बाड़ी और कांच के बिजनेस में इतना ज्यादा फायदा हुआ था कि हमारी पूरी इन्वेंटरी ही फुल हो गई थी। लगता है हम जल्दी अंबानी बन जाएंगे। फिर हम गए ट्रेडिंग हॉल जहाँ पर हमने ढेर सारा पैसा कमाया। उस पैसे से हमने खरीदी एंडर पर्ल। घर आकर हमने सामान को चेस्ट में रखा और फिर एंडर पर्ल और ब्लेज पाउडर से आई ऑफ एंडर बनाई। और अब टाइम था एंड पोर्टल ढूंढने का, तो आई ऑफ एंडर फेंकने के बाद हम गए एंड पोर्टल ढूंढने। उसके बाद हमने काफी देर तक ट्रेवल किया और जब रात होने वाली थी तब हमें याद आया कि हम बेड घर पर ही भूल गए हैं। बट डोंट वरी, विलेज काफी नजदीक था तो हम विलेज में जाकर सो गए। डे 90 पर विलेज से बेड चुराने के बाद हम फिर से गए एंड पोर्टल की तलाश में। रास्ते में हमें एक वुल्फ मिला और थोड़ी बहुत ट्राई करने के बाद हमने उसे टेम कर लिया। बाकी का पूरा दिन हमने ट्रैवल करते हुए निकाल दिया और रात होने पर हम पेड़ पर ही बेड लगाकर सो गए। डे 91 को हमने घोड़े को ट्रैप किया और वहां पर कोबलस्टोन्स लगा दिए ताकि हम बाद में उसे ढूंढ सके। एंड पोर्टल काफी नजदीक था तो एक दो बार आई ऑफ एंडर फेंकने के बाद हमने माइनिंग शुरू कर दी और बाकी के पूरा दिन हम माइन करते रहे। डे 92 को हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल ही गई, बट जब हम एक जॉम्बी को मार रहे थे तब गलती से एरो वुल्फ में लग गया और वो बेचारा मर गया। उसके बाद हमने पूरा दिन पोर्टल रूम को ढूंढा और काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद हमें पोर्टल रूम मिल ही गया। एंड पोर्टल को एक्टिवेट करने के लिए अब सिर्फ 3 और आई ऑफ एंडर चाहिए थी। उसके बाद हमने ऊपर को माइनिंग शुरू की और जब हम ऊपर पहुंचे तो बहुत ही ज्यादा रात हो रही थी तो हम बेड लगाकर सो गए। ऊपर पहुंचने पर हमारा सामना हुआ थोड़े बहुत मॉब से जिन्हें हमने आसानी से मार दिया। उसके बाद हमने वहां पर थोड़े ब्लॉक्स लगाए ताकि अगली बार हमें इस लोकेशन का पता लग सके। फिर हमने अपने घोड़े को आजाद किया और अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में हमें एक और वुल्फ मिला और इस बार हमारे पास काफी कम बोन्स थी, बट लकीली उतने में ही वो टेम हो गया। उसके बाद एक बार फिर हमारा सामना हुआ मौत से, या बट एक पेड़ की वजह से हम इस बार बच गए, नहीं तो हमारा यही अंत हो जाता। डे 94 को तुम्हें घोड़ा नहीं दिख रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि हमने उसे अबैंडन कर दिया, क्योंकि पेड़ों के बीच में उसके साथ चलने पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो हमने उसका परमानेंट जुगाड़ कर दिया। बाकी के पूरा दिन हमने पैदल ही ट्रेवल किया और काफी मुश्किलों के बाद हम घर पहुंच ही गए और तुम देख ही सकते हो कि हम कितने ज्यादा खुश थे। डे 95 पर हमने एंडर ड्रैगन से फाइट के लिए थोड़ा सामान इकट्ठा किया और लाइब्रेरियन से शार्पनेस 5 खरीदी। थोड़ी और देर तक ट्रेड करने के बाद उसे हमने मैक्स लेवल तक पहुंचा दिया और अब वो हमें नेम टैग्स बेचने लगा। जी हाँ, नेम टैग्स। आई डोंट नो कि हम इतने ज्यादा लकी कैसे हैं, बट जो भी हो अब हम अपने जानवरों को नाम दे सकते हैं। डे 96 को हमने सुबह सुबह ही खेती बाड़ी शुरू कर दी। उसके बाद हमने अपने स्वॉर्ड पर शार्पनेस ऐड की और अपने डायमंड पैंट से एंचेंटमेंट रिमूव करके थोड़ी बेटर एंचेंटमेंट ऐड की और उसके बाद हमने थोड़ी और खेती की।
अब हमारे पास काफी सारी अच्छी एंचेंटमेंट थी, लेकिन अभी भी हमें फाइनल बैटल के लिए एक चीज की जरूरत थी, जो थी इन्फिनिटी। और पूरा दिन ट्राई करने के बाद हमें इन्फिनिटी मिल ही गई, तो हमने इन्फिनिटी को खरीदा और घर आकर उसे अपने बो पर ऐड कर दिया। और अब हम एंडर ड्रैगन से फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थे। डे 98 को हमने एंडर चेस्ट बनाए, बट हम भूल गए थे कि एंडर चेस्ट तोड़ने के लिए सिल्क टच की जरूरत होती है, तो हम इनका यूज सिर्फ एक ही बार कर पाएंगे। बट हमने थोड़े बहुत पोशन अपने इन्वेंट्री में ऐड किए और बाकी पोशन को एंडर चेस्ट में डाला, ताकि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम एंड में भी पोशन का यूज कर सके। और उसके बाद हम गए एंड पोर्टल की तरफ। डे 99 को हमें ब्लॉक्स दिखे और फिर हम गए पोर्टल रूम में। उसके बाद हमने पोर्टल को एक्टिवेट किया। और फिर हमने एक चेस्ट बनाई जिसके अंदर हमने थोड़े बहुत सामान को रखा जो कि एंड में यूज नहीं होगा। और अब टाइम था एंडर ड्रैगन से फाइट का। डे 100 पर हमने एंडर ड्रैगन को फाइनली हरा दिया। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड लेट्स एम फॉर 200 लाइक्स। 100 डेज सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था, पर जैसे तैसे हमने 100 डेज सर्वाइव कर लिए और इस पूरी सीरीज को बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया और होपफुली तुम्हें देखने में भी उतना ही मजा आया होगा। और हमारी वीडियोस देखने वालों में से बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब्ड हैं, तो अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, इससे हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो कुछ और वीडियोस भी चेकआउट करते जाना, इस चैनल पर ऐसी ही काफी सारी एपिक वीडियोस मौजूद हैं। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।